द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस, ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर पीस है, उसका लेंथ जो है वो 500 मीटर है और उसका विड्थ जो है, ब्रेथ जो है वो 300 मीटर है, तो उसका एरिया पता करना है, ठीक है, तो उसका एरिया मुझे, हाँ, पता करना है, ठीक है, सो एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर शीट है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कितना हो जाएगा मेरे पास, द लेंथ इनटू इट्स ब्रेथ विच इज इक्वल टू 500, लेंथ कितना दिया हुआ है 500 मीटर और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 300, सो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 5 इज 15, 1 2 3 4, 4 जीरोस लगा दिए और मीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास उसका एरिया हो जाएगा। अब एरिया इतना है तो नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000, तो कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है इसका कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मेरे पास टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया इज इक्वल टू 1,500,000 मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास टोटल एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का 10,000 रुपया है, तो 15 कितना है ये, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 1,50,000 एरिया जो है, मीटर स्क्वायर जो एरिया उसका कितना हो जाएगा, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, कितने जीरोस लग जाएंगे, कौन बताएगा, चलो देखते हैं, तो 15 और, हाँ, कितने जीरो, टोटल कितने जीरोस हो जाएंगे, तो इतना रुपया मुझे देना पड़ेगा ताकि मैं उतना बड़ा लैंड खरीद सकूं और उस पे घर बना सकूं, ठीक है, तो ये कितना रुपया हो गया, हाँ, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, देखो भाई ये करोड़ से भी ज्यादा है ना, चलो तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आया, हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो हम रिपीट कर सकते हैं, जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए, अगर रिपीट करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि यस मैम रिपीट कर दो, अदरवाइज वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कोई रिपीट करने वाला बच्चा है तो रिपीट लिख सकता है कमेंट बॉक्स में, और अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हाँ, रिपीट कर दीजिए, ठीक है, देखो रिपीट कर देते हैं, हमने स्टार्टिंग से क्या देखा था, हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो टोटली बेस्ड है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ इंटू इट्स ब्रेथ और लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, हाँ, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड विच इज ए स्क्वायर, ठीक है, कितना होता है, साइड इंटू साइड विच इज ए स्क्वायर, फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होता है, 2, और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, देन नेक्स्ट जो है मेरे पास पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विच इज इंटू 4 साइड्स, ठीक है, सो ये ए साइड, ये भी ए साइड, ये भी ए साइड और ये भी ए साइड, तो 4 ए साइड, चारों ए को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ए, तो ये तो हो गया फॉर्मूला का बात, ठीक है, फॉर्मूला के अलावा फिर हमने पहला क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मेरे पास रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, सपोज करो दिस इज माई रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो 500 है और इसका जो विड्थ है दैट इज 300, तो इसका एरिया पता करना था, तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू इट्स विड्थ, तो वो कितना हो जाएगा, 500 × 300, अब मल्टीप्लीकेशन करना है तो 3 5 है तो 15 और बाकी के मैंने 4 जीरो ऐसे ही लगा दिए, तो ये हो जाएगा मेरा एरिया, ठीक है, तो पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट जो है ये, इसमें सिर्फ एरिया फाइंड करना था जो हो गया, अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो है वो 10,000 है, सपोज करो ये जो है मेरा 1 मीटर स्क्वायर है, तो इतना अगर पोर्शन में इसमें से खरीदती हूँ तो मुझे 10,000 रुपये देना पड़ता है, तो
तो कह रहा है कि अगर ये पूरा एरिया खरीदना है तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 15 ये जो हमने निकाला है इसको हमने 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने कितनी जीरोज लगा देंगे, पीछे 8 जीरोज लगा देनी और आगे कितना लिख देना है, 15। ठीक है, आगे कितना लिख देना है आपने, 15 लिख देना है, 3 4 5 6 7 और ये हो गई 8 जीरोज। तो ये मेरे पास टोटल रुपीज आ जाएगा। अगर इतना रुपया मैं दे देती हूँ तो वो पूरा लैंड जो है वो मेरा खुद का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने इतना ही किया था, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो, हाँ जिसने नहीं नोट किया वो स्क्रीनशॉट कर लो। अच्छा ठीक है, जिसने नोट नहीं किया भाई वो स्क्रीनशॉट ले लो, अभिषेक जी ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320। ठीक है, तो मेरे को क्या पता करना है, एरिया पता करना है किसका, जो एक स्क्वायर पार्क है, मतलब एक स्क्वायर पार्क है, ये मेरे पास स्क्वायर पार्क है। ठीक है, इसका साइज कितना है, ए ए ए और ए। ठीक है, इसका एरिया मुझे पता करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ए पता कर लेते हैं। पर क्या दिया, ए तो नहीं दिया हुआ पर उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हमने अभी पढ़ा था स्क्वायर पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, एक्चुअली पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होना था, उल्टा लिख दिया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, 4a। तो 4a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मुझे, 320। 320, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, अब मैं यहाँ से a का वैल्यू पता करूँगी। कैसे करूँगी, a को यहीं पर रखूँगी और 4 को वहाँ नीचे ले जाऊँगी। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ आने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो तो ये कितना कटेगा, 80। तो साइड कितना हो जाएगा मेरे पास, 80। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, 80। अगर ए का, हाँ वेरी गुड, ए का वैल्यू जो है वो 80 हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 80 × 80, साइड इंटू साइड, कितना होता है, साइड इंटू साइड। तो 80 × 80, अब 8 8 = 64 और 2 जीरो पीछे लगा दिया, विच इज मीटर स्क्वायर। तो कितना इसका एरिया हो जाएगा, 6400 m², 6400 m², वेरी गुड शिवम। अभिषेक को आंसर थोड़ा चेक करना पड़ेगा। हाँ, 320 क्या दिया हुआ है, 320 पेरीमीटर दिया हुआ है बेटा, 320 इज अ पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर मतलब उसके बाहर की बाउंड्री। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस तो आपको पता है ना सबको। पेरीमीटर का मतलब है कि अगर इस स्क्वायर के चारों तरफ मैं एक दीवार खड़ी करना चाहूँ या एक फेंसिंग लगाना चाहूँ, कांटेदार तार लगाना चाहूँ, तो जितना तार यूज होगा उस तार को पेरीमीटर बोला जाता है। ठीक है, और एरिया का मतलब है कि इसके अंदर मैं कितने फूल लगा सकती हूँ, कितने पेड़ लगा सकती हूँ, कितने झूले लगा सकती हूँ, ये जो एरिया है इसको एरिया बोला जाता है। अंदर का जो पोर्शन है उसको एरिया बोला जाता है और बाहर की जो बाउंड्री है उसको क्या बोला जाता है, पेरीमीटर बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ द एरिया इज 440 m². ठीक है, तो एरिया जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट का दिया हुआ है 440 और उसका जो लेंथ है वो 22 है। ठीक है, तो उसका पहले तो मुझे विड्थ निकालना है और विड्थ निकालने के बाद उसका पेरीमीटर भी निकालना है। तो विड्थ आ जाएगा, तो विड्थ का वैल्यू डाल के पेरीमीटर तो आसानी से आ जाएगा, है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ या विड्थ दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, विड्थ भी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एरिया बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 440 m² पर कितना होता है वो हमको पता है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 22 m। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला लिख रही हूँ, विच इज लेंथ इंटू विड्थ विच इज इक्वल टू 440। ठीक
ठीक है। अब लेंथ एंड विड्थ का वैल्यू डाल रही हूँ, लेंथ इज 22 एंड विड्थ का वैल्यू एक्स विच इज 440। तो एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, 22 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया, 20 मीटर। कितना आ गया, 20 मीटर। द विड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर। नाउ व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट इज इट्स पेरीमीटर एज वेल, ठीक है। तो पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना है, तो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर का क्या हो जाएगा, देखो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज, ये कितना है लेंथ, ये कितना है लेंथ, ये कितना है ब्रेथ, ये कितना है ब्रेथ, तो दो बार लेंथ और दो बार ब्रेथ, तो वही लिख रही हूँ, 2 × L + B विच इज 2। L का वैल्यू 22, B का वैल्यू अभी 20 कैलकुलेट किया, सो 2 × 42 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कौन आंसर कैलकुलेट करके बता रहे हैं, हाँ कौन बता रहे हैं, जल्दी बताओ, 84 मीटर। कितना हो जाएगा, 84 मीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 84 मीटर, हाँ ग्रेट, हाँ चलो शिवम करेक्ट आंसर, हाँ बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बच्चे ने नाम नहीं लिखा है पर करेक्ट आंसर्स, हाँ अच्छा रितिका, हाँ रितिका करेक्ट आंसर बेटा, रितिका करेक्ट करेक्ट, हाँ चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। अब पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर शीट का, तो सपोज करो मेरे पास एक ए फोर साइज शीट है, ठीक है, ए फोर साइज पेपर है, ठीक है, ये मेरे पास ए फोर साइज पेपर है, ठीक है। अब इसका जो पेरीमीटर है, मतलब इसके चारों कोनों पे मैंने एक सुंदर सा रिबन लगाना है, ठीक है, तो उस रिबन का जो लेंथ है वो कितना है मेरे पास, 100। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35, अगर उसका लेंथ जो है वो 35 है, तो उसका विड्थ कितना होगा, मतलब ब्रेथ कितना होगा वो बताना है, और उसका एरिया कितना होगा, ये अंदर का जो एरिया है ये कितना होगा ये भी बताना है, तो दोनों ही चीजें बतानी। तो सबसे पहले जो चीज हमें दी है उससे हम क्या निकालेंगे, विड्थ निकालेंगे या ब्रेथ निकालेंगे। तो इसमें भी सपोज करेंगे लेट द ब्रेथ और विड्थ जो भी है बी एक्स, ठीक है, तो ये कितना है मेरे पास, एक्स है, ठीक है, तो इसको मैंने एक्स मान लिया। तो पेरीमीटर का जो होगा, पेरीमीटर ऑफ शीट कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो मुझे दी हुई है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, वॉइस इको कर रहा है या क्लियर नहीं आ रहा है, एक चीज मुझे बताओ, अगर इको कर रहा है तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, अदरवाइज आई विल चेक माई कनेक्शन, हाँ चलो, हाँ चेक कनेक्शन चेक, हाँ क्लियर, हाँ ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा है, हाँ तो बेटा आई हैव चेक माई कनेक्शन, अब एक बार चेक करो, अब आवाज़ क्लियर आ रहा है, हाँ ठीक है। तो फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 2 × L + B, ठीक है। सो वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, और L का वैल्यू कितना है, 35, और b का वैल्यू x विच इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 100, विच इज इक्वल टू 100। नाउ टेकिंग दिस 2 ऑन दिस साइड, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट डिवीजन, कितना हो जाएगा भाई, डिवीजन, सो 100 डिवाइडेड बाय 2, सो 35 + x, अब 100 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 50, तो कितना आ गया, 50, ठीक है। अब x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो 50 − 35 विच इज इक्वल टू कितना होगा, चलो आई एम गिविंग यू अ मिनट टाइम, वेरी गुड रितिका, 15, वेरी गुड, 50, सो x का वैल्यू कितना होगा, 15, तो x का वैल्यू कितना होगा, 15, तो मतलब मेरा जो ब्रेथ मैंने कैलकुलेट किया है वो कितना आ चुका है, 15 आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, एरिया ऑफ द
रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट का एरिया कैलकुलेट करना है, जिसका की वैल्यू कितना होता है, लेंथ इनटू विड्थ। हाँ चलो, लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ कितना है मेरे पास 35, और अभी अभी मैंने विड्थ कैलकुलेट किया विच इज इक्वल टू 50। तो आंसर मल्टीप्लाई करके मुझे जल्दी से बताओ। अभिषेक करेक्ट आंसर, हाँ शिवम करेक्ट आंसर। बच्चों ने अपना नाम नहीं लिखा, नहीं तो मैं नाम भी बोल देती। हाँ तो मल्टीप्लाई करो 35 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो विच इज 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या, वेरी गुड, हाँ शिवम का आंसर आ गया, करेक्ट करेक्ट। तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज क्लियर, हाँ वेरी गुड, हाँ पूरा परफेक्ट यूनिट्स के साथ लिखा है अभिषेक ने, हाँ स्क्वायर। बट मीटर नहीं है बेटा, सेंटीमीटर है, हाँ रितिका करेक्ट आंसर, हाँ करेक्ट आंसर। शिवम करेक्ट आंसर, हाँ चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्लियर है ना, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस लिख दो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं तो। हाँ, ओके चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। तो मेरे पास दो पार्क हैं, ठीक है, दो पार्क है मेरे पास, दो पार्क है। कौन कौन से पार्क है, एक मेरे पास स्क्वायर पार्क है, ठीक है, ये स्क्वायर पार्क है, और ये मेरे पास रेक्टेंगुलर पार्क है, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर पार्क है। तो इसका जो एरिया है ए, वो इसके एरिया के बराबर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन का मतलब समझा रही हूँ। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क, ये एक स्क्वायर पार्क है, इसका एरिया ए है, और ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका भी एरिया कितना है ए, तो दोनों का एरिया जो है वो बिल्कुल बराबर है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60, अगर ये जो स्क्वायर पार्क है इसका साइड 60 है, तो भाई एक साइड अगर स्क्वायर पार्क है एक 60 है, तो बाकी भी कितने हो जाएंगे भाई, 60 60 60, ठीक है, स्क्वायर के तो चारों साइड बराबर होती है ना। अब नेक्स्ट कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90, तो जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्क की ये कितना है 90, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 90। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर जो पार्क है उसका हमें पता करना है कि कितना है, विड्थ कितना है, ठीक है। ठीक है, हाँ तो उसका जो है एरिया हमें पता करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो एरिया पता करते हैं दोनों का, सबसे पहले एरिया पता करेंगे, ठीक है। सो एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, देखो मैंने स्क्वायर पार्क का एरिया पहले क्यों पता किया है, क्योंकि उसकी मेरे को चारों साइड्स गिवन है। हाँ गुड आफ्टरनून अतुल्या, हाँ सो विच इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, सो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करके जल्दी से आंसर बताओ मुझे। वेरी गुड, सो आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम 3600, बट बच्चों ने नाम नहीं लिखा है, तो रितिका अतुल्या अभिषेक, हाँ करेक्ट आंसर्स, बाकी भी काफी बच्चों ने दिया है। अद्रिका, हाँ फर्स्ट आंसर, करेक्ट फर्स्ट आंसर इज गिवन बाय अद्रिका, हाँ वेरी गुड। सो 3600 एंड मीटर स्क्वायर, अब इसका जो एरिया है कितना आ गया, इसका ए का वैल्यू कितना आ गया 3600, तो इसके ए का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 3600। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 3600, ठीक है, और उसका लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 3600, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या कहता है,
फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू लेंथ इन टू विड्थ, ठीक है। सो ये कितना है 3600 और लेंथ कितना है 90 और बी का वैल्यू पता करना है। सो 3600 डिवाइडेड बाय 90 विच इज इक्वल टू बी, ठीक है। 90 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ लेके गए तो डिविजन हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया और ये 36 से काट दिया तो 4 जा, तो कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू बी। तो बी का वैल्यू कितना आ गया भाई 40 आ गया। हाँ वेरी गुड, हाँ शिवम करेक्ट आंसर, देन अद्रिका, देन ऋतिका, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ। सो 40 मीटर, तो कितना आ गया इसका 40 मीटर, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन, अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, फिर देखते हैं कौन करेक्ट आंसर करके बताता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक मेरे पास स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, ठीक है स्क्वायर, डन। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हाँ स्क्वायर है, इसका जो साइड है वो 10 है, इसका जो साइड है वो 10 है, तो इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों ही लिख के बताओ मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या होगा एरिया कितना होगा एंड इसका पेरीमीटर कितना होगा। हाँ चलो जल्दी से, एक स्क्वायर है जिसका साइड 10 है और उसका एरिया और पेरीमीटर दोनों ही कैलकुलेट करना है, एरिया एंड पेरीमीटर दोनों ही कैलकुलेट करना है, हाँ ओके। बच्ची ने नाम नहीं लिखा है, 100 एरिया इज करेक्ट 40, हाँ परफेक्ट आंसर, फर्स्ट इज ऋतिका 100, हाँ अद्रिका करेक्ट है एरिया, हाँ 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 बेटा अंशिका कुशवाहा नाम लिखो अपना, हाँ पेरीमीटर 40 करेक्ट आंसर, हाँ। सो एरिया कितना हो जाएगा साइड इंटू साइड, ठीक है, और पेरीमीटर मतलब 4 इंटू साइड, सो ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 40, करेक्ट आंसर, हाँ अभिषेक करेक्ट आंसर, चलो वेरी गुड वेरी गुड, हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है एक क्वेश्चन और, अब इसका आंसर मुझे बताएंगे जल्दी से। ये क्या है मेरे पास, एक रेक्टेंगल है, क्या है मेरे पास ये, दिस इज अ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ दिस, हाँ हाँ द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 20, द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 20 एंड द विड्थ ऑफ और ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 5। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर दोनों ही कैलकुलेट करना है, हाँ तो जल्दी से बता दो। वेरी गुड, पेरीमीटर 100, अरे बेटा गलत कर दिया, पेरीमीटर नहीं, हाँ हाँ पेरीमीटर नहीं ऋतिका, क्या 100 होगा, हाँ क्या 100 होगा, हाँ चलो 100 इज करेक्ट, हाँ 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 वेरी गुड, एरिया जो है वो 100 होगा और पेरीमीटर जो है, वेरी गुड अंशिका खुशवाहा करेक्ट आंसर 50, हाँ एरिया, हाँ 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 करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो चलो एरिया कितना होगा इसका, एरिया जो है वो होगा लेंथ विच इज 20 और विड्थ विच इज इक्वल टू 5, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2 5 10 और एक जीरो लगा दिया तो 100, एरिया कितना आ गया मेरे पास 100 और पेरीमीटर कितना होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस विड्थ जो कि है 2 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 50, तो कितना हो जाएगा 50, हाँ 50 करेक्ट 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 आंसर, हाँ शिवम करेक्ट आंसर, हाँ पेरीमीटर करेक्ट। चलो तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास जब भी, हाँ हाँ पूछो बेटा, हाँ कौन सा वाला बेटा, बेटा विच, फोर्थ फोर्थ, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन फिर से समझाना है, हाँ ओके फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा ये वाला, ठीक है। द पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जो पेरीमीटर है मतलब ये जो बाहर का बाउंड्री है ये कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ठीक है, और लेंथ जो है वो 35 दी है, तो अभी हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला करा 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस विड्थ, तो विड्थ को मैंने मान लिया एक्स, ठीक है ब्रेथ को मैंने मान लिया एक्स, तो ये 2 को या तो तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकती हो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और तरीका हो सकता है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रही हूँ, सो 2 इंटू 35 कितना होता है 70 एंड इंटू 2x विच इज इक्वल टू 100, ठीक है विच इज इक्वल टू 100। अब इस 70 को मैं इस साइड लेकर जाऊँगी तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो
तो ये हो गया माइनस का, विच इज इक्वल टू, अब 100 में से 70 चला गया तो कितना बचेगा, 30। अब ये जो 2x है, x का वैल्यू निकालने के लिए इस 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15। x का वैल्यू कितना आ गया, 15। अब क्या कह रहा है, हाँ तो इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो लेंथ कितना दिया हुआ था, 35, और अभी अभी मैंने उसका ब्रेथ कैलकुलेट किया विच इज 15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया इसका 525। सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई किया, 35 इंटू 25, एंड आंसर विल बी 525। अब समझ में आ गया बेटा?